More than two hours, 45 minutes, I think. I don't remember the exact time. A lot of repetition, a lot of rambling, nothing concrete. So it's the mindset of the government. All talk, nothing happening. But the country is, of course, suffering. You can ask, and I'll speak directly to the youngsters in university and college. You know exactly what's going on. You know that you don't have a future as far as jobs are concerned. And nothing happened here to help you. Thank you. कि कैसे देखते हैं वित्त मंत्री के भाषण को काफी लंबा भाषण था एस्पिरेशनल इंडिया की बात की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मैंने बोला मैंने बोला कि 2.5 घंटे से ज्यादा लंबा भाषण था और उसमें कोई स्ट्रेटेजिक बात मुझे नहीं दिखी मेन इशू आज संविधान के सामने अरे मैं क्यों खराब करा मेरा यार रोजगार और जो इकोनॉमी की हालत है उसके लिए कोई सेंट्रल स्ट्रेटेजिक आइडिया नहीं था बहुत सारे टैक्टिकल आइडियाज थे रिडंडेंसी थी उन्होंने कहा कि हम इनकम टैक्स कोड को सिंप्लीफाई करेंगे और कॉम्प्लिकेट कर दिया एक और ऑप्शन दे दिया तो बड़ी कंफ्यूजन में है सरकार की जो अप्रोच है वो इस बजट से दिखती है ढाई घंटे बाद की लॉन्गेस्ट शायद हिस्ट्री में सबसे लंबा बजट था मगर उसमें कुछ था नहीं खोखला था एलआईसी बजट से चलिए पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे